रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे तुरंत आपको जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं ये अनलॉक 4 के बाद मनाली का जो मॉल रोड का लेटेस्ट वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, आज का ही है, आपके लिए यह प्रस्तुत है और साथ में अपडेट भी बताने वाला हूँ और वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है। इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मनाली के अंदर अब धीरे धीरे होटल खुलना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर है। जो मनाली से प्रेम करते हैं, जो आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं और जो अनलॉक 4 है उसका वीडियो ज़रूर देख लें। उसके अंदर जो नियम निर्धारित है उनको आप फॉलो करते हुए आ सकते हैं और होटल बुकिंग के लिए मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, उनसे आप संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। देवभूमि हिमाचल में मंदिर अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और मंदिर की श्रृंखला में मनाली के मंदिर भी धीरे धीरे खुलने प्रारंभ हो गए हैं। सबसे पहले मनाली की अधिष्ठात्री देवी हडिम्बा मंदिर की बात करें तो वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और मंदिरों के लिए एक हिमाचल सरकार ने विशेष SOP जारी की थी। वो SOP यदि आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास करूंगा, तो उसको ज़रूर देख लें यदि आप हिमाचल की या मनाली की धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। यानी एक विशेष नियमावली है धार्मिक यात्रा से संबंधित। अब बात करें, मनु टेम्पल भी ओपन हो चुका है, यदि आप वहां जाना चाहते तो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा जो वशिष्ठ टेम्पल है वो भी ओपन हो चुका है और साथ में हॉट वाटर स्प्रिंग है, यदि उसमें आप स्नान करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ओपन कर दिया गया है। इस संबंध में कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम वापस लिए चलते हैं मनाली के मॉल रोड पर, जहां टूरिस्ट का जमावड़ा हमेशा लगा रहता था। अब यहां आपको देख सकते हैं कुछ भी नहीं है और साथ में मैं आपको दिखा रहा हूं होटल कुंजम, जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम का प्रमुख होटल है मनाली के मॉल रोड पर। तो इस प्रकार आपको लेटेस्ट ये नज़ारे मनाली के मॉल रोड से, तो आपको भी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप आना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि एक तारीख से कुछ नियमों में बदलाव हो और एकदम शांत वातावरण, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं वो अपना ऑफिस बनाकर यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब जो खबर है वो बताते हैं कि यहाँ JCB क्यों चल रही है। तो JCB चलने का कारण, आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि पर मनाली का जो मॉल रोड है उस पर एक स्टैचू का शुक्रवार को शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मॉल रोड पर 6 फीट की जो प्रतिमा की आधारशिला रखी, जैसा कि आपको ये लाल रंग का चबूतरा JCB के पीछे दिखाई दे रहा होगा। और इस जो पूरा ढांचा होगा इसकी ऊंचाई 14 फीट होगी। मुख्यमंत्री जी ने वाजपेयी की याद में यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं आ सका, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये उनको श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी है, उनका दूसरा घर मनाली को माना जाता है। मनाली का जो प्रेणी विलेज है, वाजपेयी जी का दूसरा घर माना जाता है। और आपको बता दें कि मेरी 51वीं कविता जिसमें मनाली पर एक कविता लिखी थी, वो प्रेणी विलेज में ही यहाँ के मनाली के जो सौंदर्य से अभिभूत होकर लिखी
गई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रतिमा यहाँ लगेगी, जब आप नेक्स्ट समय आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये मेरे अनुमान के अनुसार रोहतांग टनल है, जिनका नाम अटल रोहतांग टनल कर दिया गया है, उसी दिन शायद इनका लोकार्पण होना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। अभी तक आपने अटल रोहतांग टनल वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें अंदर का व्यू दिखाया गया है, और आपको बता दें मैं कि उसमें संपूर्ण डिटेल वीडियो दिया गया है और वो अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जानकारी से भरपूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप आई बटन पर भी उसको देखना चाहें। और हम निरंतर आपके लिए मनाली का निरंतर अपडेट और लेटेस्ट वीडियो इस लॉकडाउन में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और हमारी मेहनत को सफल करने के लिए आप कम से कम लाइक और अच्छा सा कमेंट प्रोवाइड कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। हमारा प्रयास का उत्साहवर्धन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कीजिएगा मनाली के मॉल रोड का दीदार।